सर। हाँ यूनिट पास कर देना, परसों आएगा कॉन्वॉय में। कल जब सुबह मैं टीसी जब जाऊंगा तो चले जाएगा साथ में टाइम कैंप। ठीक है, सब इसका वो करवा दिया था ना मैंने, आज खानवी में डलवा रखा था यहाँ अबे से। भोपरी के हाँ जी माधव चौध, पहले तो तूने करा दिया बहन चौध, फिर मुझे गाड़ी के लिए फोन कर रहा है चूतिए। जब तेरे को बोल रहा है अफसर बहन चौध। ठीक है, था परसों भेज देंगे। ठीक हाँ नहीं नहीं एक काम कर, एक काम कर, ठीक हाँ जी है एक काम कर, हाँ अभी वो जी तेरी जिम्मेदारी है, तू उसको कैसे भेजता है, जिप्सी तो नहीं जाएगी। ठीक है ना, और अब तूने बोल दिया है कि साहब मूड आउट बनवा दिया है, यहाँ रह नहीं सकता, इंटरव्यू करवा दिया है, कल ही जाना है यूनिट। तो मेरी तरफ से जो बंदा सुन लो करना है करो, ठीक है ना। तुमको भी ठीक बहन चोद याद अभी आ रहा है ना, तो तुम्हारी तुमको गाली पढ़नी चाहिए एक्चुअली। ठीक है ना, मतलब एक तो बहन चोद, मतलब बोल रहा हूँ साला कि परसों चला जाएगा, कोई ठीक है सर। धरती नहीं फट रही, आसमान नहीं गिर रहा, अगर एक दिन डिले हो जाता है, कोई मरा नहीं जा रहा ऊपर बहन चोद, कोई किल्लत नहीं है मैन पावर की, अगर एक दिन नीचे रह जाएगा। लेकिन तुम मुझे उल्टा सुना रहे हो कि साहब इसके तो कागज बनवा दिए मैंने, साहब इसका नाम दिलवा दिया कॉन्वे में। अबे बहन चोद प्राइम मिनिस्टर है क्या कि कॉन्वे में अगर इसका साला नहीं पहुंचा ये, तो वहां लोग परेशान हो जाएंगे कि अरे यार परमजोत साहब नहीं आए, जो भी नाम है परमजीत साहब नहीं आए, कौन है कैसे मूव करेगा। आप अभी चूतिया वाली बातें कर रहे हो बहनचोद, जैसे नाम डलवाया वैसे कैंसिल करा दो। ठीक है सर, कैंसिल करा देते हैं। मुझसे मुझसे पूछ रहे तुमने बहनचोद नाम डलवाने के पहले कि साहब गाड़ी मिल जाएगी, अगर गाड़ी मिल जाएगी साहब तो भेज देते हैं साहब, अगर गाड़ी मिलेगी साहब तो फिर हम इसका तभी कागज बनवाएंगे, तभी नाम डलवाएंगे। पहले तो बहनचोद अपने हिसाब से काम कर लेते हो बहनचोद, फिर फोन करते हो कि साहब जाएगी गाड़ी, गाड़ी चाहिए, फालतू बातें मत क्या करो, समझे। ठीक है सर। और तुम्हें किसने बोला इसको कल भेजने के लिए, दीपक ऊपर से साहब दीप के साहब का फोन आया था, बोलता है इसको पंगड़े में नहीं साहब का ना फोन इसका तुमको ना। आया था। हाँ उधर वर्कशॉप में था ना गाड़ी साहब मेरी खराब हुई भी थी ना। अरे वो मुझे कहानी नहीं मालूम है भैया, ये जो जिप्सी आ रखी है ना बैटरी कमांडर की जिप्सी है, मैंने लंगर नहीं खोल रखा है बहनचोद यहाँ पर। आज तुमको हाँ बोल दूंगा, कल बहनचोद हर कोई फोन करेगा, तो साहब छुट्टी टीसी छुड़वा दीजिए साहब, 4 चार छुड़वा दीजिए साहब, गाड़ी वो वहाँ एसी में जाना है, ईएमई में जाना है, सिग्नल में जाना है, साटा में जाना है, साटा वो लोकेशन में जाना है साहब, अपनी कैंटीन है वो लोकेशन में वहाँ जाना है। तुम लोगों ने मजाक बना रखा है क्या यहाँ पर, साहब गाड़ी नहीं आई तो साहब चाहिए। अरे यार ये जरूरी थोड़ी है कि साला स्पेशली गाड़ी कोई जाएगी यार, ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि कल ही जाना है। और तुमको फोन किया दीपक साहब ने, हैं हाँ साहब वो इसका नाम नहीं ना भंगड़े में है, किसमें भंगड़े में नाम नहीं ना हैगा इसका, तो इसलिए बोलते इसको भेज दे। भंगड़ा नाम है। भी है ना साहब, अब कमांडर साहब का यहाँ पे। अरे भंगड़ा है बहनचोद, तो मतलब तुम लोग अजीब चूती हो यार, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि लंगर खुला हुआ है कि जिप्सी स्पेशली जाएगी। मतलब मेरा पॉइंट वही है, तुम लोगों को रात में मूवमेंट याद आता है, तुम्हें दिन में याद नहीं आता है रोशनी में। आज सुबह मैं ट्रिप गया, मैं दोपहर में वापस आया, उस वक्त फिर से गाड़ी गई है, अभिनी साहब ने बुलाई थी, फिर से गाड़ी गई थी, तब सब लोग सो रहे थे, और स्पेशली गाड़ी भेजनी है। तुमको फोन किसने किया है बताओ, दीपक साहब ने फोन किया तुमको मोबाइल पे। नहीं गाड़ी के लिए नहीं, आपकी गाड़ी के लिए नहीं किया था साहब। अरे मेरे भाई इसको भेजने के लिए किसने फोन किया हाँ जी तुमको, हाँ दीपक जी साहब ने किया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ गाड़ी दीपक तो साहब गाड़ी को, दीपक के लिए साहब को मैम अलग गाली मारता हूँ मैं अभी, रुक जाओ। दीपक साहब ना गाड़ी। बहन चोद, दीपक साहब तुम्हें और शिक्षा मारेंगे अभी फोन करके कि साढ़े तेरी वजह में शुक्ला साहब मेरे को गाली मार रहे थे। ठीक हाँ आपने तो वो है ना, दे ही दी साहब मेरे को गाड़ी तो। है आपने तो 3-4 दे ही दी साहब मेरे को गाड़ी। बहुत बढ़िया है, तेरे को तो और गाली मिलनी चाहिए, तू काम ही ऐसे कर रहा है। एक तो बहन चोद अपनी रैंक देख ले, दूसरी मेरी रैंक देख ले। वो तो मेरे को पता, सॉरी साहब मैंने आपको फोन। सॉरी की बात नहीं बेटा, पॉइंट वही है, जब तुझे को मैंने बोल दिया कि यार कोई और बंदोस्त हो जाएगा, फिर मैंने तुम्हें कॉल बैक किया है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेटा कल सुबह मैं ड्यूटी पे जाऊंगा तो मेरे साथ बैठा देना, मैं छोड़ दूंगा इसको, फिर तुम मुझे कहानी सुना रहे हो। मतलब मैं तेरे इशारों पर चलूंगा, तेरे हिसाब से चलूंगा कि साहब अब तो कागज दिलवा दिए साहब इसके, कल नाम दिलवा दिया है, मतलब जरूरी है साहब इसको भेजना, आप गाड़ी दे दो साहब, अभी दे दो साहब। अरे क्या चीता पे लगा रखे तुमने, साला यूनिट में टोल साहब के पास मेरा नंबर है बहन, तो मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ जी किसी पता है हिम्मत ना नहीं मेरे होगी को। बहन चोद यूनिट की, ऐसे नहीं है दीपक साहब की हिम्मत नहीं होगी बोलने की। जब तुम बोलोगे कि साहब शुक्ला साहब ने जब बोला था कि ट्रांजिट कैंप के लिए अगर कोई बंदोबस्त हो जाता है ठीक है, नहीं तो कल मेरे साथ भेज देना, मैं सुबह टिप जाऊंगा छोड़ दूंगा इसको, इसलिए साहब ये 22 तारीख को कॉर्नर में नहीं, 23 तारीख को कॉर्नर में नहीं बैठा, 24 को बैठा कॉर्नर में। और सॉरी दीपक साहब से साहब तुम अभी पूछता हूँ ना कि इनको अभी क्यों याद आ रहा है इसको कॉर्नर में भिजवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर रहती है तुम लोग के लिए, लंगर लंगड़ी बुलवाई है मैंने, साला मुझे डिटेल मिला हुआ, मैंने गाड़ी बुलवा रखी है, जैसे मेरा डिटेल खत्म होगा मैं गाड़ी यूनिट वापस भेज दूंगा बहन चोद। सॉरी बट तुम लोग को रात में याद आ रहा है गाड़ी भेजनी है, दिन में 2 बार गाड़ी होके आई उस तरफ, फिर गाड़ी भेजनी है तुमको रात में, मजाक बना रखे क्या तुम लोगों ने यहाँ पर। साहब एक बात सॉरी की नहीं बेटा, गलती मुझे गुस्सा इसी बात की आ रही थी ना, पहली बात तो तुम लोग साला अगर एनसीओ हो तो हाँ तुम जी लोग को ये सोचना चाहिए कि बेटा फील्ड इलाका है, फौज हाँ जी में तुम लोग ये सीख 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 के बड़े हुए हो हाँ कि जी भैया गाड़ी को रात में मूव नहीं कराना चाहिए, गाड़ी को दिन में ही मूव कराना चाहिए।
ऊपर वाले तो घने चूतिए बैठे हैं जो बिना सोच समझ के आदेश पास करते हैं, अभी गाली मारता हूँ मैं बैठ को और उसको दीपक साहब को। बट मेरा पॉइंट ये है कि अपना मैं तुम्हें फोन करके वापस बोल रहा हूँ कि बेटा एक काम करो, इसको कल जो है भिजवा देना। तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं है कि अच्छा साहब नाम डलवा दिया, कोई नहीं साहब कागज नए बन जाएंगे या कागज में डेट चेंज हो जाएगी या इसका नाम कटवा देता हूँ कॉर्नर में, तुम मुझे उल्टा सुना रहे हो साहब। अब तो नाम पढ़वा दिए कॉर्नर में साहब, साहब कागज बन गए साहब, अब तो कटवा दूंगा साहब, अभी बात कर लेता हूँ उधर नाम। नहीं 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 अभी अभी सुनिए सुनिए, मेरी तरफ से कोई आदेश नहीं है इसको परसों भेजने का, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, अभी अभी गाली तो खैर आप लोग खाओगे खाओगे वो अलग बात है, मेरा पॉइंट है कि गाड़ी मैंने मना कर दी, जिसकी नहीं जाएगी। हाँ जी आपका बंदोबस्त है, अगर इसको पहुंचाना तो पहुंचाइए, जैसे पहुंचाना पहुंचाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है। और गलती से ये मत बोल देना यूनिट में साहब ने शुक्ला सर ने बोला था कुछ के लिए, नहीं नहीं आप हाँ मेरी तरफ से ये कर ही जाएगा, ठीक है ना। मैं वो ब्रिगेड कर जाएगा, मेरी तरफ से कोई आदेश नहीं है। ब्रिगेड की ब्रिगेड ब्रिगेड की गाड़ी देख लेता हूँ साहब, कोई ना कोई वो तुम देख लो यार तुम्हें कैसे करना है, ठीक है ना। ठीक है हाँ ओके। तुम लोग अगर तुम लोग इतने लेट जागोगे ना तुम्हारे लिए ये कष्ट होना चाहिए। ये तो बहुत आसान है कि जीरो टाइम में चला याद आएगा, अफसर को बोल दो यूनिट का अफसर है वो हाँ बोल देगा, अब मैं ना बोलूंगा, अब करो बंदोबस्त। मैं तो साहब आपकी बहुत इज्जत करता हूँ साहब, आपको बताइए बहुत रुपए बात बताइए इज्जत की नहीं है यार, तुमको प्यार से बोल रहा हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ ना बेटा, इतना सही बात है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ साहब बहुत ज्यादा यार, जितेंद्र फालतू बकवास ना करो, ठीक है ना। हाँ जी ठीक, जो जो इज्जत होती है ना वो बातों से दिखती है और वो काम से दिखती है, वो कहने से नहीं दिखती बेटा। हाँ जी साहब ठीक है ना, स्कूल में तूने नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा था कि जो कहावत है ना अंग्रेजी में भी है कि जो काम है ना कर्म वो ज्यादा बोलते हैं शब्दों से, तो बार बार ये बोलेगा ना तो मुझे उल्टा लगेगा कि सदा दिखावा कर रहा है। नहीं ये बहुत इज्जत करता हूँ बात मेरा बेटा, तुमको सिंपल बात मैंने बोली बेटा, अगर मैं तुमको डिसीजन दे रहा हूँ तो तुम आराम से यूनिट में एसएम को आरएचएम को दीपक साहब को पुरुषोत्तम साहब को बोल सकते हो कि साहब शुक्ला साहब ने बोल दिया था, इसलिए साहब इसको हमने 23 तारीख की सुबह शुक्ला साहब के साथ ट्रांजिट कैंप छोड़ा जब उनके साथ टिक गए थे और इसलिए 24 अकाउंट में आया है। किसी की हिम्मत नहीं होगी बहन जो बात की मुझसे पूछने की यूनिट में ये लेट क्यों आया एक दिन, ठीक है ना। हाँ जी लेकिन तुम मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो कि साहब इसका तुम नाम डलवा दिया है, साहब कागज बन गया है साहब, तो तुम मुझे इशारा कर रहे हो कि साहब अब तो साहब भेजना ही पड़ेगा साहब, वो गाड़ी अभी चाहिए साहब, तो इसी बात से गुस्सा आई है उसी बात से गाली खा रहे हो, ठीक है ना। सॉरी साहब बात सॉरी नहीं बेटा, फौज में सॉरी थैंक यू नहीं होता है, ठीक है, सिविल में होता है सॉरी थैंक यू। और अगर तुम मेरा पर्सनल काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा, अगर तुम मेरा सामान उठा रहे हो तो मैं थैंक यू बोलूंगा, और अगर मैं तुम्हारी छुट्टी के लिए तुम्हारे बीसी से बात कर रहा हूँ तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगे कि पर्सनल वेलफेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी थैंक यू सॉरी तब होता है। हाँ जी ठीक है ठीक, अभी जो करना करो जितनी नहीं जाएगी अभी रात में, फालतू मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है सर ओके सत श्री अकाल सर। कह रहा था कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर मैं सही कह रही हूँ तो आप मेरा फोन काट क्यों रहे हो। नहीं मैडम मैडम काटा नहीं था मैडम, अगर मैडम काटना होता तो मैं उठाता नहीं फिर से ना मैडम, कटा यहाँ फील ले रहा है मैडम, कट जाता है कभी भी कभी कभी, मैं वही कह रहा हूँ मैडम। मुझे बताइए कि अगर यही बातें मैं आपकी मिसेज को ऐसे बोलूं, आपने मेरे पति को ऐसा गंदे तरीके से बात की है ना, अगर मैं आपकी मिसेज को ऐसा बोलूं बिना किसी गलती के तो आपको कैसा लगेगा। मैडम मैं देखिए मैडम आपको फोन करना पड़ रहा है, मुझे उसी में बहुत शर्म आ रही है कि मेरे एक जवान के फैमिली जो है मैडम मुझे फोन कर रहे हैं। मैडम कल जितेंद्र ने जब मुझे बोला मुझे तभी एहसास हो गया, निकालते हुए शर्म नहीं आई थी कि मैं किसी की माँ को किसी को बहन को ऐसी गंदी गंदी बातें बोल रहा हूँ। आपको मैडम आपको सही बताऊं से भी शर्म आ रही है कि कुत्ते के बच्चे ने आपको इस तरह ऐसे लैंग्वेज ऐसे संस्कार दिए, किस माँ ने आपको ऐसे संस्कार दिया बोलने के लिए, ये बताओ मुझे। मैडम बहुत बहुत माफी चाहता हूँ मैडम, मैं सही बताऊं उसको बोल सकते थे ना, अगर वो आपके आपने इतनी गाली बकी भी थी इतना बकवास मारे तो आपको शाम को की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि मैं कोई बात नहीं मेरे से गलती से हो गया तो मैं माफी मैडम कल जितेंद्र से मैंने माफी मांगी भी है, जितेंद्र ने बोला कि साहब बोलने के पहले सोचा तो करो क्या बोल रहे हो, शर्म कर लो साहब हो आप। जब मैडम उसने ये बोला ना मुझे इतनी शर्म आई और मैंने खुद सोचा और मैंने से मैडम उसके साथ आर्मी में एक बंदा होने के बावजूद है और आप अपने को रैंक बता रहे हो उसको, उसने तो आगे प्रमोशन इसी की वजह से नहीं ली है कि वो तो यहाँ खुला, जैसे आप उसकी जीप की बात करो ऐसी तो हमने ना घास ढोने के लिए भैंसों के लिए रखी है, हम घास लेके तो बस दो गाड़ियां खड़ी हैं, वो फिर भी इतना इतना नीमा होकर चलता है ना, वो फिर भी अपने जवानों का अपने इतना ख्याल रखता है वहाँ पे बर्म में। आप लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वो किसी की मदद कर रहा है और आप अपना रैंक गिनवा रहे हो, रैंक क्या कुत्ते की रैंक कुत्ते जैसा होता है क्या। मैडम मैं बहुत मैंने कहा ना मैडम अगर मैं दिल से माफी चाहता हूँ मैडम, अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने उससे माफी मांगी है, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, अगर मैं दिल से कह रहा हूँ ना मैडम माफी का मतलब माफी मतलब मैं ये जानता हूँ कि मैंने गलत काम किया इसलिए माफी मांग रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए जितनी माफ कर दे, बट मेरा अगर अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ अगर या उसकी मुझे कोई कंप्लेन आई
तो मेरा आपका नंबर मेरे पास है, तो मैं सीधी आपके ऊपर तक कंप्लेन करूंगी, बात सुन लो आप। बिल्कुल मैडम, समझ बिल्कुल में आई ना आपका हक बात? बनता है जैसे। मैडम मैं इतने बिल्कुल सालों के सही बात बाद समझ रहे दोबारा हैं मुड़ आप। के यहाँ से गए हैं वो, और अब मैं जी चाहती जी नहीं कि जी कोई भी कोई पंगा हो या कोई कंप्लेन हो, ठीक है? और डरते भी मैडम चीजें हैं मैडम जो, बिल्कुल एक बात है ना, बिल्कुल पंजाबी होते हैं, मैडम हम डरते नहीं किसी से भी, बिल्कुल अगर मैडम, डरते डरना भी नहीं। नहीं चाहिए मैडम। उसने बिल्कुल भी और आपके सामने वो एक भी बात नहीं, उसने एक बात भी नहीं बोली, ठीक है? आपके संस्कार इसी बात में दिख रहे हैं कि आपकी माँ ने आपको कैसे मैम सिखाया है, जितेंद्र, इतनी मेहनत मैम से माँ बाप मैडम पढ़ा लगा के जितेंद्र, आर्मी में भेज रहे हैं, आप ऐसी लैंग्वेज यूज करोगे मैडम अपने जवानों के साथ? जितेंद्र, मैडम जितेंद्र को मैंने कल माफी मांगी, और उसने बोल मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई तू सैनिक है, तुझे अगर कंप्लेन करनी है तेरे को पूरा हक है, मैं माफी मांगता हूँ। बट मैं माफी इसलिए नहीं मांग रहा हूँ अब कि तू अपनी कह रहा वाइफ है का कि मैं नंबर कंप्लेन दीजिए, मैं करूंगा। उनसे बात करना चाहती हूँ। मैडम देखिए मैं नंबर तो दे दूंगा, लेकिन मेरा पॉइंट वही है ना, मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ, मैं जितेंद्र से माफी मांग चुका हूँ। और मैंने मैडम माफी का मतलब ये है कि कल मुझे जितेंद्र ने खुद ही बोला कि सर मुझे आपसे बात नहीं करनी फ्यूचर में, भविष्य में, और आप मुझसे बात मत करिएगा। और मैडम मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं आगे से, बल्कि ये मेरे लिए एक सीख मैडम जिंदगी की। मैं सोच रहा हूँ मैम कमरे पे आया, मेरे दिमाग में भी ना मेरी चीजें घूम रही थी कि यार जवान ने बात तो सही कही, आज एक जवान ने आईना दिखाया है कि साहब अगर अफसर हो, पढ़े लिखे हो, तो बोलने के पहले सोचा करो। पढ़े तो लिखे तो मैडम आप मुझे है ही वो नहीं, मुझे चीज सुन लगते के ही नहीं कैसे यहाँ तक पहुंचोगे, पढ़े लिखे तो है आप ही नहीं, आपकी लैंग्वेज तो आप बहुत बिल्कुल गंवारों सही कह रही जैसी हैं है, बहुत गंवारों जैसी लैंग्वेज मैडम, है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हरकत बहुत गलत थी मैडम, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपसे शायद 2-3 बार बोल चुका हूँ मैडम, आप जितनी बार बोलेंगे मैं माफी मांगूंगा। मैं कल हवलदार सुरेंद्र सिंह के आपकी सामने जितेंद्र माँ से मैंने बहन तो माफी है मांगी। ना, है आपके माँ बहन है क्या, ये मर गई है क्या, मैडम है? गाली है ना मैडम, नहीं, मैं बिल्कुल, मैं मुझे खुद दिखाई नहीं दे रहा, सर मैं मार रही है दिखाई नहीं सोच के, मैं खुद सोच रही हूँ कि कि यहाँ मैं पे बच्चे आर्मी में जाएं। और ये नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और सभी लोगों तक पहुँचाएं। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।